डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग चलते हैं 12th क्लास का फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोगों ने फिजिक्स के बारे में जो भी पढ़ रहे थे वो प्रत्यावर्ती धारा को पढ़ रहे थे। और प्रत्यावर्ती धारा में हम लोग जैसा कि जानते हैं, प्रत्यावर्ती धारा में तीन मान होता है उसका। एक उसका होता है तत्कालिक मान, शिखर मान, और एक होता है उसका तत्कालिक शिखर मान के बाद हम लोगों का एक होता है औसत मान, और एक होता है लास्ट में जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, तो तीन टाइप्स का मान होता है वर्ग माध्य मूल मान। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा का, वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। अब हम लोग आज ये प्रूफ करने वाले हैं कि आखिर प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना होता है। ठीक है, उसका क्या फार्मूला है, उसको हम लोग कैसे न्यूमेरिकल में अप्लाई करने वाले हैं। राइट, यानी कि कुल मिलाकर हम लोग यहाँ भी एक प्रूफ करने वाले, लेकिन उसके पहले कुछ चीजों का जानना जरूरी है, क्योंकि ये वर्ग माध्य मूल मान को कई नाम से जाना जाता है। इसी को प्रत्यावर्ती धारा का आभासी मान भी कहा जाता है। अगर कोई न्यूमेरिकल्स में या फिर आपको सवाल आएगा कि प्रत्यावर्ती धारा का आभासी मान कितना होता है, तभी हम इन्हीं चीजों का अप्लाई करेंगे। यानी वर्ग माध्य मूल का ही दूसरा नाम आभासी है, और एक और नाम है जिसको प्रभावी मान भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर कहीं सवाल आता है कि वर्ग माध्य मूल मान बताइए, या आभासी मान बताइए, या प्रभावी मान बताइए, तो तीनों क्या है, एक ही है। तो चलिए इन चीजों को पहले हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एरो लिया जाए, इसके अंतर्गत लिखा जाए प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान में। फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे, लिखा जाए प्रत्यावर्ती धारा के मापन के लिए, तत्कालिक धारा के वर्ग के औसत के वर्गमूल का व्यवहार किया जाता है। औसत के वर्गमूल का व्यवहार किया जाता है, औसत के वर्गमूल में व्यवहार किया जाता है। इसे प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहा जाता है। इसे वर्ग माध्य मूल मान कहा जाता है। नेक्स्ट एरो देंगे, वर्ग माध्य मूल मान को आभासी मान अथवा प्रभावी मान कहा जाता है। आभासी मान अथवा प्रभावी मान कहा जाता है। आभासी मान अथवा प्रभावी मान कहा जाता है। नेक्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान में, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान में रूट टू से भाग देने पर प्राप्त मान को
प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान कहा जाता है, वर्ग माध्य मूलमान कहा जाता है। चलिए तो इस बार हम लोग क्या बोले कि प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूलमान होता है, अच्छा एक चीज और हम लोग यहाँ पे छूट रहे हैं, वर्ग माध्य मूलमान को हम लोग दिखाते हैं, जैसे अभी हम लोग पिछले बार में प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान है उसको आई ए भी से सूचित करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का जो शिखर मान है उसको आई नोट से सूचित करते हैं, आई का मतलब तत्कालिक मान। उसी तरीके से एक और एरो देकर इसमें लिखा जाए, लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान को, वर्ग माध्य मूल मान को आई आर एम एस से सूचित किया जाता है। आई आर एम एस, देखिए आई बड़ा लिखना है, आर एम एस उसके नीचे छोटा छोटा लिखना है, कैसे ए भी लिखे थे वैसे ही आई आर एम एस, ठीक है। यानी कि इसका जो फुल फॉर्म हुआ, इसका हुआ आर से हुआ रूट, एम से हुआ मीन, और एस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, यानी कि आई आर एम एस। तो चलिए अब हम लोग जरा अब इन चीजों को लिखते हैं कि क्या क्या लिखे हैं। सबसे पहला बात कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान कहते किसको है, तो अक्सर जैसे कि औसत मान निकाले थे ना, तो इस बार जो हम लोग दोनों का यूज करने वाले हैं, यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक मान है उसका वर्ग भी करेंगे और औसत भी निकालेंगे, दोनों चीजें साथ साथ करेंगे। क्या करेंगे, तो जो प्रत्यावर्ती धारा का जो तत्कालिक मान होता है तो तत्कालिक मान का जो वैल्यू होता है उसका स्क्वायर भी करेंगे और औसत भी निकालेंगे, स्क्वायर और औसत दोनों अगर काम करेंगे तो वो चीजें क्या कहलाएगी, वो चीजें वर्ग माध्य मूल मान कहलाएगी, ठीक है। अब वर्ग माध्य मूल मान का एक और डेफिनेशन है कि अगर शिखर मान में, शिखर मान तो आई नोट होता है, अगर इसको रूट टू से डिवाइड कर दिया जाए तो वो वैल्यू होता है आई आर एम एस का। तो अर्थार्थ करके उसके नीचे ये वाला लिख लीजिए कि आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नोट बटा रूट टू, आई नोट बटा रूट टू, यानी कि आई आर एम एस का क्या फॉर्मूला, तो आई नोट में रूट टू से डिवाइड करने से आई आर एम एस प्राप्त होता है, ठीक है। उसके नीचे ये चीज लिख भी लीजिए, और हाँ याद रहे वर्ग माध्य मूलमान को दो और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है औसत मान या फिर औसत मान नहीं सॉरी आभासी मान और प्रभावी मान। औसत तो दूसरा हो गया ना, जिसको आई एवरेज कहते हैं, वो चीज तो हम लोग प्रूफ कर लिए हैं और इसको आई आर एम एस से दिखाते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रूफ करते हैं कि आई आर एम एस का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो आई नोट बटा रूट टू होता है। चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। आप देख पा रहे होंगे कि अब हम लोग यहां से प्रूफ करने वाले हैं कि आई आर एम एस का जो वैल्यू होता है आई नोट बटा रूट टू कैसे होता है। तो आपको यहां से समझना चाहिए कि आई आर एम एस का जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे वो कैसे, तो जो हम लोग आई एवरेज का काम करते थे उसी का क्या करना होगा, स्क्वायर। ध्यान रखिएगा आई एवरेज में हम लोग जीरो से लेकर टी बाई टू तक के लेते थे, क्योंकि आधा चक्रण वहां पे लेते थे, यानी कि आप जीरो से टी बाई टू तक धारा का मान क्या होता था, धनात्मक होता था, इसलिए वहां पे जो लिमिट लिया करते थे जीरो से लेकर टी बाई टू लिया करते थे। लेकिन जब आई एवरेज का स्क्वायर करना पड़ेगा तो यहाँ पे पूरा लिमिट ले रहे हैं जीरो से लेकर टी तक, जीरो से लेकर टी तक। और आप इन चीजों को याद रखिएगा कि आरएमएस में प्रूफ करने के लिए हम लोगों को जीरो से टी लिया जाता है। अब चूंकि स्क्वायर है, क्योंकि हम अभी पहले पढ़े
कि जब कभी भी वर्ग माध्य मूल मान निकालते हैं तो उसको दो चीज साथ साथ में निकालना पड़ता है, एक उसका वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर, और औसत। तब ये दोनों को मिलाकर हम लोगों को वर्ग माध्य मूल बनेगा। इसीलिए आई एवरेज लिखा हुआ है, उसका स्क्वायर किया है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां पर बनेगा आई का स्क्वायर डी टी, और नीचे तो वही का वही रहेगा मतलब डी टी, लेकिन लिमिट चेंज हो जाएगा जीरो से टी। अब आई का फार्मूला क्या है, तो तत्कालिक मान का फार्मूला होता है आई नोट साइन ओमेगा टी, क्योंकि आई का स्क्वायर है तो यहां पे भी आई नोट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, डी टी का डी टी, लिमिट जीरो से टी, तो जीरो से टी लिमिट हो जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, इसलिए यहां पे डी टी का क्या बनेगा टी, लिमिट कहां से कहां तक, तो जीरो से लेकर टी तक की लिमिट। अब यहां पे हम लोग देख पा रहे कि आई नोट का भी स्क्वायर करेंगे, साइन ओमेगा टी है तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी करेंगे, यानी इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और डी टी का तो डी टी हो जाएगा, लिमिट जीरो से टी। अब टी है, जीरो से टी है, तो इस टी के जगह पे एक बार कैपिटल टी रखेंगे, और दोनों में अंतर है, टी का मतलब समय और ये टी का समय, ये टी का मतलब आवर्त काल, यानी एक पूरा चक्कर घूमने में टाइम, तो इस टी के जगह पे टी रखेंगे और फिर इस टी के जगह पे जीरो रख के घटाएंगे, तो टी में से जीरो गया तो टी बनेगा। यहां से आई नोट स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये जब बाहर निकलेगा तो आई नोट स्क्वायर और बट्टा में क्या टी, तो यहां बन रहा है आई नोट स्क्वायर बट्टा में टी। इधर क्या बन रहा होगा, तो सिर्फ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और आपको पता होना चाहिए ये फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस टू थीटा बटा में टू, ये फार्मूला होता है किसका, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस टू थीटा बटा में टू, तो यहां साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे ओमेगा टी है, तो यहां बन जाएगा वन माइनस कॉस टू ओमेगा टू और बटा में टू, फार्मूला के आधार पर, और इंटू में डी टी। तो आई नोट स्क्वायर बटा टी तो पहले से बाहर था, अब की बार नीचे वाला टू कांस्टेंट है, अब ये जब बाहर आया तो आई नोट स्क्वायर बटा क्या कितना बन गया टू टी, और इधर जीरो से टी और वन माइनस कोस टू ओमेगा टी डी टी, ठीक है, यानी कि टू जब बाहर आएगा तो सिर्फ ऊपर वाला बच जाएगा। अब हम लोग वही का वही लिखे हैं, लेकिन जैसे डिफ्रेंसिएशन को हम लोग प्लस माइनस में तोड़ते हैं, यहां पे भी इंटीग्रेशन टूटता है, तो वन को डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वन को डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे, डी टी टूट गया जीरो से टू, माइनस है तो माइनस में टूट गया अलग अलग इंटीग्रेशन, यानी कि एक वन के लिए और एक कोस टू ओमेगा टू के लिए, तो यहां बन गया जीरो से टी, लिमिट वही रहेगा कोस टू ओमेगा टी डी टी। अच्छा, ये तो वही का वही रहा, इसका तो जान ही रहे हैं कि ऐसा लिख सकते हैं माइनस कोस टू ओमेगा टी। देखिए ध्यान दीजिएगा, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, इंटीग्रेशन जैसे आप डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद किए ना, वैसे ही कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन टू ओमेगा टी, तो टू ओमेगा टी। अब टी के जो बगल में रहता है उससे डिवाइड किया जाता है, टी के बगल में क्या है टू ओमेगा, तो टू ओमेगा से डिवाइड कर दिया, और कहां से कहां तक लिमिट जीरो से टी तक के लिमिट। अब चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे प्रूफ करते हैं, तो आगे क्या मिला, तो आगे जो मिलेगा आई एवरेज का स्क्वायर, यही ना निकाल रहे थे शुरू से, तो आई एवरेज का स्क्वायर क्या मिल रहा है, तो आई नॉट स्क्वायर बाई टू टी। अब यहां से एक बार छोटा टी के जगह पे एक बार अपर लिमिट रखेंगे कैपिटल टी माइनस जीरो, तो कैपिटल टी के जगह पे यहां पे सिर्फ कैपिटल टी आ गया माइनस, तो माइनस। अब इसके जगह पे क्या करना है, एक बार छोटा वाले टी के जगह पे बड़ा टी रखना है, एक बार छोटे वाले टी के जगह पे बड़ा टी रखना है, एक बार छोटे वाले टी के जगह पे जीरो रखना है, तो यहां पे देखिए कैसे बनेगा, तो एक बार ऐसे बनेगा, एक बार यहां पर बनेगा साइन टू ओमेगा टी कैपिटल टी बट्टा में टू ओमेगा माइनस, अब की बार में टी के जगह पे जीरो रखेंगे
तो साइन 2 ओमेगा इंटू 0 बट्टा में 2 ओमेगा, ठीक है, बनेगा ना ऐसा। तो हम लोग आगे काम करते चले जाएंगे, तो आई नोट का स्क्वायर बट्टा 2t टी माइनस, यहां पे देख पा रहे होंगे यहां पे ओमेगा ओमेगा कभी नहीं काटना, क्यों नहीं कटेंगे, क्योंकि यहां पे एंगल में है, साइन के एंगल में। तो यहां पे जो फार्मूला पुट करते हैं हम लोग पाई के बराबर ओमेगा के जगह पे 2 पाई बाई टी, पिछला दिन वाला फार्मूला होता है ना ओमेगा के जगह पे, तो यहां पे पुट करेंगे साइन 2 का 2 और इस ओमेगा के जगह पे 2 पाई बटा में टी इंटू में टी बटा में 2 इंटू 2 पाई बटा में टी माइनस, ये जीरो से अगर मल्टीपल कर रहे हैं तो साइन 0 का 0 साइन 0 बन जाएगा और बटा में 2 ओमेगा, ठीक है। तो यहां पे अब क्या बन रहा है, आई नोट का स्क्वायर बटा 2t फिर ब्रैकेट में टी माइनस, यहां से टी से टी कट रहा है खत्म होगा, ठीक है, और फिर देख पा रहे होंगे तो यहां से ऊपर वाला सॉरी एक बात गड़बड़ हो गया, यहां पे साइन कितना था 2 था ना, तो ऊपर में कितना बन रहा है जरा देखिए, तो साइन 2 जा यहां पे कभी देखिए नहीं, ये एंगल में है ना साइन की, ये सब एंगल में है इसलिए यहां से 2 नहीं काटना है, ऐसा रहता तो यहां पे भी तो काट सकते थे, साइन की ये एंगल में है और ये ऐसे ही है तो कभी नहीं कटेगा, यहां हो जाएगा ऊपर साइन 4 पाई 2 जा 4 पाई और बटा में कितना, तो 4 पाई बटा में टी, ठीक है, और माइनस साइन 0 का वैल्यू 0 और 0 में किसी संख्या से डिवाइड करते हैं वो कितना होता है, 0 में किसी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं वो कितना बनता है 0, तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं, आगे देखते हैं क्या होगा। तो यहां पे जो अभी तक के हम लोगों का आ रहा है कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन 4 पाई का भी वैल्यू कितना होता है 0, याद रखिएगा साइन 4 पाई का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, ये चीज आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो इस साइन 4 पाई की जगह पे 0 और 0 में किसी संख्या से भाग दिए तो ये हो गया पूरा 0, यानी कि कुल मिलाकर आई नोट का स्क्वायर बटा 2t टी माइनस, ये भी 0 क्योंकि साइन 4 पाई का वैल्यू 0 और 0 में किसी संख्या से भाग करेंगे तो 0 माइनस 0, यानी कि कुल मिलाकर कितना हो गया, तो आई नोट स्क्वायर बाई 2t इंटू टी और टी से टी कट गया, तो इसलिए हम फिर से ऊपर से चल रहे हैं, ऊपर से क्या वैल्यू आ गया, तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि क्या आ गया, तो I नोट का स्क्वायर बटा 2 क्योंकि t से t तो यहां पे कट गया, जब t से t कट गया तो I नोट स्क्वायर बाई 2, इसलिए अब हम लोग लिख सकते हैं I एवरेज, जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर दोनों का दोनों रूट में चला जाएगा, I नोट स्क्वायर बाई 2 जाएगा ना दोनों स्क्वायर में, अब दोनों स्क्वायर में चल गया तो हम इसलिए बोल सकते हैं कि इस बार जो आया हम लोगों का आई नोट का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो सिर्फ आई नोट बच जाएगा, ठीक है, और नीचे रूट का 2 तो रूट 2 बच जाएगा। यही है दोस्तों आई आर एम एस का वैल्यू, यही हम लोगों का प्रूव्ड हो चुका है कि आई आर एम एस, आर एम एस का मतलब वर्ग माध्य मूल मान, अब यही वर्ग माध्य मूल मान का जो फार्मूला है हम लोग यहां पे प्रूफ किए कि किसी भी प्रत्यावर्ती धारा का जो शिखर मान होगा ना उस शिखर मान में रूट 2 से भाग करने पर जो वैल्यू प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा आई आर एम एस, वो क्या कहलाएगा आई आर एम एस। चलिए तो अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, लिखा जाए क्वेश्चन लिखेंगे, किसी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में, किसी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में
किसी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 2.828 एम्पियर हो तो उस धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, चलिए सवाल क्या बोला कि कोई प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी कि जनरेटर है, अब उसका शिखर वैल्यू हमें दिया है, शिखर मान दिया है, तो आप इसको खुद से सवाल को बनाइएगा कि दिया है कि I नोट का वैल्यू कितना 2.828, तो आपको I RMS निकालना है, तो सिंपल क्या करना है I RMS निकालने के लिए, तो I RMS निकालने के लिए रूट टू से आप डिवाइड कर दीजिएगा इसको, तो रूट टू यानी कि 2 का वर्गमूल निकाल लीजिएगा, जितना आएगा उसको डिवाइड कर दीजिएगा तो I RMS का वैल्यू आ जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने लास्ट कर दिया है प्रत्यावर्ती धारा का प्रूफ, हालांकि चैप्टर लास्ट नहीं हुआ है, ध्यान से सुनिए, हम लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा का 3 मान था जिसमें तीनों मान को डिस्कस अच्छे से किया, अच्छे से प्रूफ किया, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी किया है ना, तो इस प्रत्यावर्ती धारा में जो प्रूफ था उसको खत्म हो गया जो इम्पोर्टेंट था। अब हम लोग अगले क्लास में इस चैप्टर के आगे पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, चैप्टर लगभग 2 से 3 दिन में खत्म होगा, ठीक है, तो आज के क्लास को इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।